सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आपने पिछले वाले वीडियो आपने देखा होगा जहाँ पे हम लोग जो किचन सेटअप कर रहे थे सफारी के पीछे वाले में, तो वो प्लान हमारा फेल हो गया था। क्यों फेल हो गया था वो वाला वीडियो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो ये हमारा सेकेंड ट्राई है। तो इस बार हम जो सोचे हैं बेसिकली इसको बहुत पोर्टेबल करने का सोचे हैं, और गाड़ी के अंदर कुकिंग नहीं हो सकता है, ये कैंपिंग के लिए बेसिकली यूज होगा। तो आप इसको इजीली गाड़ी से बाहर निकाल के प्रॉपरली आप सेटअप करोगे और इजी टू सेटअप रहेगा। तो आपको पता है सुजीत जी जिन्होंने मतलब ये काम कर रहे थे, तो मैं आपको चलो इनसे मिलवाता हूँ और वो आपको प्लान बताएंगे कि अभी कैसे हम इसको प्लान कर रहे हैं, अभी वेट कम कर रहे हैं, साइज क्या रहेगा, और ये जो आप सामान देख रहे हो मेरा, ये सामान पूरा उस चंक बॉक्स पे आ जाएगा। ये मेरा एक छोटा वाला स्टोव है, ओके, और काफी पोर्टेबल है। लास्ट टाइम हम लोग डबल चूल्हा का प्लान कर रहे थे तो इसीलिए थोड़ा साइज बड़ा हो रहा था। तो इस बार हम इसी को ही रखने का प्लान कर रहे हैं, और एक प्रेशर कुकर रहेगा, और ये कैंपिंग के लिए जो यूज होने वाला एक बहुत कॉम्पैक्ट कुकिंग सेट है, और ये दोनों बॉक्स रहेंगे उसके अंदर ताकि हमारा वेट कम रहे, उसके अंदर ज्यादा पार्टीशन करने की जरूरत ना पड़े। इसके अंदर ग्रोसरीज आप कुछ भी रख सकते हो, और इसके अलावा ये जो यूज करने के लिए जो हमारा ब्यूटेन सिलेंडर है, ये चार का प्रोविजन रहेगा। और देखते हैं क्या प्लान है, तो आपको चलो सुजीत जी से मिलवाता हूँ, वो आपको बताएंगे कि अभी इसको हम क्या प्लान कर रहे हैं और कैसे इसको बना रहे हैं। बनने के बाद पता चलेगा कि ये भी प्लान सक्सेस होता है या फेल होता है। तो चलिए बनाते हैं। तो ये है सुजीत जी जो हमारे घर पे आ जाए हैं और वो अभी प्लान कर रहे हैं। तो सुजीत जी आप बताइए क्या प्लानिंग है। अभी इसका जो साइजेस है वो मैं बना रहा हूँ 2 फीट बाय 20 इंच में, 20 इंच हाइट रहेगा, 2 फीट ऐसा रहेगा, 23 इंचेस, और इसमें मैं पाउडर आउटर रबर वुड यूज कर रहा हूँ, और बाद में क्या है अंदर पूरा प्लाई हो 12 mm का प्लाई यूज करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा वेट थोड़ा कम हो जाएगा, और इसमें चैनल किधर भी हम यूज नहीं कर रहे हैं, चैनल का सेटअप नहीं है किधर भी, उससे भी थोड़ा वेट ज्यादा होता है। इसको रखने के लिए आप चैनल रख रहे हो कि नहीं? एक सिर्फ आएगा जिसपे चूल्हा रहेगा, उसके लिए एक सिर्फ सिंगल चैनल यूज करेंगे, उसका ATZ डिजाइन इधर ऐसा है, तो ये डिजाइन को हम फॉलो करेंगे। थोड़ा सा स्लाइड चेंज रहेगा? हाँ थोड़ा सा चेंज रहेगा, नॉर्मली थोड़ा सा जो चेंज होता है वही रहेगा, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है चलिए। हमारा जो बालकनी है वहीं पे ये सब कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे ये है लालू जी जो सुजीत जी का हेल्प कर रहे हैं काम में। तो लालू जी पहले कभी बनाए हो? बनाए। तो क्या लगता है बन जाएगा? ठीक है फिर चलो देखते हैं। तो ये नीचे का डोर है कि नीचे और ऊपर का है? साइड का फ्रेमिंग है। ओके, ये अभी फ्रेम बना रहे हैं अभी बॉक्स का, है ना, ये नीचे और ऊपर का दोनों पार्ट है। तो अभी ये जो बाहर का साइज रेडी हो गया है, मतलब यही बॉक्स का साइज रहेगा, और पीछे के साइड पे हम लोग 6 mm का प्लाई यूज कर रहे हैं, ओके, ताकि थोड़ा इसका वेट कम रहे। तो सुजीत जी कहाँ तक पहुँचा काम? अभी स्ट्रक्चर तक पहुँचा है, देखिए स्ट्रक्चर पहुँचा है अभी। थोड़ा जो हमारा पहले का प्लान की वजह से थोड़ा जो मटेरियल है वो ज़्यादा ज्वाइंट करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले वाले प्लान से हमने कट कर दिए थे ना, तो अभी थोड़ा ज्वाइंट करना पड़ रहा है कहीं कहीं हमको। ये नीचे का स्टैंड बन रहा है जो पोर्टेबल जो हमारा चंक बॉक्स है ये इसके ऊपर आएगा। तो ये नीचे का स्टैंड है जो अराउंड 12 इंच का हाइट रहेगा। तो बेसिकली ये स्टूल नीचे ऐसे बनेगा, और इसके ऊपर ये जो छोटा सा हमारा बॉक्स है ये ऐसे दिखने वाला है। तो ये स्टूल को अगर आप चाहो तो इसको ऊपर भी रख सकते हैं। सुजीत जी सोरा रख के बता दीजिए, जब गाड़ी के अंदर ये रहेगा तो ये इस तरह से रहेगा, तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट रहेगा आपका, ये इसका जो लुक्स है ऐसे ऊपर आएगा ये, और ये एक हिंचेस पे कब्जा जो बोलते हैं ना उस पर ये दोनों ऐसे खुलेगा। अभी कब्जा तो लगा नहीं है, जो कब्जा लग जाएगा तो ये ऐसे दोनों साइड पर ये खुलेगा, और इसके ऊपर ये जो कैप जैसा ये जो स्टूल है ये इसके ऊपर ऐसे रह जाएगा, ये है ना।
तो फाइनली जो ये बॉक्स का जो हाइट है कितने इंच पे ये फाइनल हो रहा है? अभी इसका एडजस्ट लेकर चलेंगे तो फिट में थोड़ा कम ही है, 2 फीट से कम है, 23 से थोड़ा ज़्यादा है, है ना? तो इसका हाँ, आज है हमारा डे टू। ये जो हमारा जो छोटा वाला किचन सेट बना रहे हैं तो आज फिनिशिंग का काम है, इसके बाद और पेंटिंग का काम रहेगा। जो भी कुछ इसको लाइट वेट बनाने की कोशिश किया जा रहा है, तो चलो थोड़ा आपको दिखा देता हूँ कि इसको लाइट वेट बनाने के लिए हम लोग क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं। अभी हम लोग जो है इसके बैक प्लाई में 6mm का प्लाई यूज कर रहे हैं, उससे थोड़ा वेट कम रहेगा। और अंदर का जो भी सेल्फ यूज कर रहे हैं वो 12mm का प्लाई यूज कर रहे हैं, वुडन यूज नहीं कर रहे हैं, अब किधर भी वुड यूज नहीं करेंगे। और चैनल जो भी है हम कम से कम एक ही सेट चैनल यूज करने का प्लान है, तो ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए इसके लिए, जितना लाइट वेट बन जाए उतना अच्छा है। अभी ये जो ऊपर का जो ड्रॉ है उसका तैयारी हो रहा है, मतलब कैसे इसको हमने, ये छोटा सा एक चूल्हा भी आ जाएगा और उसके ऊपर एक स्लाइड जो है वो चलेगा, तो वो प्रॉपर मेजरमेंट कर रहे हैं अभी। कुछ परेशानी हो रही है क्या सुजीत जी? नहीं नहीं परेशानी नहीं है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो ये है ऊपर का ड्रॉअर, और ऊपर का ड्रॉअर में ये एक चैनल सुजीत जी लगाए हैं जो कि बहुत लाइट वेट है, और जो प्लाय है वो इजीली यहाँ पे स्लाइड हो जाएगा और उसका वेट ज़्यादा नहीं रहेगा। तो ये ऊपर का जो ड्रॉअर है इसके अंदर एक सिंगल बर्नर जो चूल्हा रहेगा और साइड में टूल वगैरह रहने के लिए प्रोविजन रहेगा, इसको एक हम पार्टीशन बीच में डाल देंगे। अभी जो है ये पूरा जो वुडन का काम था वो फिनिश हो गया है, अभी इसको पॉलिश और वो सब काम है, तो अभी इसको पेपर से हम लोग घिस के इसको स्मूथ कर रहे हैं, उसके बाद वुडन कलर होगा। हम लोग ये जो कलर है वुडन कलर उसी को ही मतलब मेंटेन करेंगे, इसके ऊपर सीलर डालेंगे जो थोड़ा शाइनिंग करेगा। तो अभी फिनिशिंग काम बाकी है, अंदर आप देख सकते हो ऑलरेडी स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। हमने कोशिश किया है जो सारा एज है उसको राउंड शेप देने के लिए, ताकि वो धार ना रहे। अभी जो है नीचे का जो स्टैंड है उसको पॉलिश कर रहे हैं, तो अभी आप देख सकते हो कि नीचे का जो पॉलिश होने के बाद कैसे ये दिख रहा है, थोड़ा सा योलेज कलर आ रहा है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था वुड कलर हम मेंटेन करेंगे, तो कुछ एक्स्ट्रा पाउडर वगैरह कुछ हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो जो वुडन ग्रेन है वो आपको क्लियरली यहाँ पे दिखेगा। अभी इसको और एक बार हमको मतलब टचअप करके फिर से पॉलिश करना है, और ये वाला अभी पॉलिश नहीं हुआ है, तो ये रबर वुड का जो नेचुरल कलर है वो दिख रहा है। ये है हमारा जो पोर्टेबल किचन सेट का फाइनल लुक। तो यहाँ पे सुजीत जी हैं जिन्होंने ये कारीगरी किया है, तो वो आपको ये प्रोडक्ट का डेमो देंगे फाइनली। तो अभी सुजीत जी बताएंगे कि मतलब उन्होंने कैसे बनाया, क्या बनाया, और इसका जो टूर है वो सुजीत जी करेंगे। अभी देखिए ये पोर्टेबल किचन है, इसमें क्या है, ये जो चेयर है इसका एक टेबल है, ये ऐसा निकलेगा, ऐसा निकल जाता है। अभी ये इसके स्टैंड पे आ गया, स्टैंड पे ऐसा ही रहेगा। अभी अभी इसका ये डोर है, ऐसा ये खुलेगा, अभी देखिए ऐसा खुल गया, ये ऊपर से ये ओपन हो जाएगा ऐसा, और ये भी आपको ऐसा ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी इसके नीचे हम एक ड्रॉ बनाए हैं, जो ये भी स्लाइड होता है,
इसके अंदर ये आपका स्टोव आ जाएगा। इधर कुछ छोटा मोटा आइटम जो भी रखना है इसके अंदर आप रख सकते हैं। सुजीत जी, यहाँ पे तो हम एक चैनल भी लगा सकते हैं, आपने इसको क्यों लगाया? नहीं, वो वेटलेस के लिए मैं ऐसा लगाया हूँ। वो चैनल डालने से थोड़ा वेट ज़्यादा होगा, इसके लिए वेटलेस के लिए मैं इसको लगाया हूँ। ओके, ठीक है। और इसके ऊपर हम कुछ कटिंग वगैरह चॉपिंग वगैरह करना है तो इसके लिए यूज हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम डबल चूल्हा भी रख सकते हैं। अभी इसके ऊपर आप डबल चूल्हा रख सकते हैं, लेकिन डबल चूल्हा क्या है वो अलग से कैरी करके लेके जाना पड़ेगा आपको, इसके अंदर नहीं आएगा। ये एक छोटा सा ड्रॉ बनाया हूँ, इसमें भी कुछ चैनल वगैरह यूज नहीं किया हूँ, जिसके लिए ये वेटलेस पूरा है। थोड़ा दिखा दीजिए, मतलब इसको कैसे आपने चलाया है? ओके, ये वुड से इन्होंने बनाया है। बीट पे चलाया हूँ, चैनल का जरूरत नहीं है। वो वेट कम करने के लिए वेट काम है, वेट कम करने के लिए ऐसा किया हूँ। ये इजीली से स्लाइड होता है। एक ये अपना बास्केट है, इसमें वेजिटेबल्स वगैरह जो भी आपको रखना है रखने के लिए है। एक नीचे भी है, इस पे ग्रोसरी वगैरह जो भी है। इसमें मैं एक रिमूवल पार्टीशन दे दिया हूँ, जिसके बड़ा आइटम चाहिए तो इसको आप निकाल सकते हैं। रिमूवल, इसके अंदर भी एक रिमूवल पार्टीशन है, इसके अंदर कुकर वगैरह जो भी है, बर्तन सेट पूरा इधर आ जाएगा। और ये नीचे ये क्यों लगाया है इसको? ये सर वो एक फ्रंट साइड के लिए मैं लगाया हूँ। नेम प्लेट कुछ डाल सकते हैं यहाँ पे, अपना नाम या जो भी अपना जो भी है वो अपना डाल स्टिकरिंग करने के लिए डाल दिया है ना। इसका वेट कितना होगा सुजीत जी? वही आएगा सर, एक 20-25 केजी तक आएगा सर इसका वेट। ओके, तो सुजीत जी इसका वेट कम करने के लिए, क्योंकि आपने जो पिछले वाला जो हमारा प्लान था वो तो फेल हो गया था वेट के कारण फेल हो गया। तो इसको हमको वेट कम करना था, तो उसके लिए आपने क्या क्या जुगाड़ लगाया? अभी देखिए, इसका वेट कम करने के लिए एक्चुअली ये ड्रॉ जो है मैं पूरा 12 mm में बनाया हूँ, ठीक है, उससे वेट लेस होता है। और इसके अंदर भी एक चैनल चाहिए था, लेकिन चैनल मैं यूज नहीं किया हूँ, और इधर एक 6 mm का प्लाई यूज किया हूँ, तो उससे वेट भी कम हो जाएगा। ये ड्रॉ भी अपना मैं 12 mm में बनाया हूँ, ठीक है। और ये जितना भी पार्टीशन दिया हूँ ये सब 6 mm का दिया हूँ, जिससे वेट कम रहे, जितना हो सकता है उतना मैं वेट इसमें कम करने का प्रयास किया हूँ। इससे ज़्यादा कुछ भी कम कर नहीं सकते। इसके पीछे भी हमने जो प्लाई यूज किया है ना इसका? हाँ, इसके बैक प्लाई में भी हम लोग 6 mm का प्लाई यूज किए हैं, ये वुड ने। आपको सिर्फ इसका लुक जो है वो फ्रंट से रबर वुड में फिनिशिंग दिखेगा। इसका डायमेंशन कितना है ओवरऑल, मतलब ये जो टॉप का डायमेंशन कितना है? ये जब बंद होने के बाद 2 feet आएगा आपको। ओके, 24 inches ऐसा 16 inch आएगा, 16 inch आएगा हाइट आपको। ये बॉक्स टू बॉक्स 20 inch आता है, लेकिन 1 feet का मैं वो उसका स्टैंड बनाया हूँ, तो टोटल 32 पे फिनिश हो जाता है। ये जो है आप गाड़ी में कुकिंग नहीं कर सकते हैं, गाड़ी से बाहर, गाड़ी के बाहर ही कर सकते हैं। कैंपिंग के लिए ज़्यादातर यूज होगा। अब घर में भी जैसे छोटा फैमिली है तो आप किचन यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सुजीत जी, फाइनली जो हमारे ऑडियंस है उनको ये जानना है कि इसमें टोटल हमारा खर्चा कितना हुआ, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी सर इसमें देखिए, खर्चा के लिए तो अभी मेटेरियल कॉस्ट अगर जाते हैं तो मेरे को इसमें 12,000 मेटेरियल में खर्चा है। ओके, 12,000 से 13,000 के बीच में खर्चा है। 3,000 इसका जो है आपका वो पॉलिशिंग का खर्चा है, ठीक है, प्लस में हमारा एक 3,000-4,000 लेबर का खर्चा है। 4,000 तो मान के चले मोटामोटी 17,000-18,000 का खर्चा है। क्योंकि ये आपने जो रबर वुड यूज किया है ना? रबर वुड यूज किया। अगर हम प्लाई अगर यूज करते तो और थोड़ा कम होता, बट ये फिनिशिंग नहीं आता आपको प्लाई में। हाँ, क्योंकि इसमें हमने वुड यूज किया तो 3,000 का, तो यहाँ पे हमको पॉलिशिंग का कॉस्ट आ गया है ना। 2 दिन लगा एक को पॉलिश करने के लिए, इतना करने के लिए 2 दिन, वो भी हैंड पॉलिश में 2 दिन लगा। इसको आपको बनाने के लिए कितना टाइम लगा? बनाने के लिए मैं पहला फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इसीलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा। ऐसा तो लगा 4 दिन, लेकिन 3 दिन कंपेयर मान के चलिए 3 दिन लगा है इसको रेडी करने में। अगर नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो 1-2 दिन में आपका होगा? हाँ, 2 दिन नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो 2 दिन में हो जाएगा। बट इसका क्या है, अगर सेम डिटो बनाएंगे तो वही 17,000-18,000 खर्चा आएगा बनाने के लिए। उसमें थोड़ा ऊपर नीचे ऊपर हो सकता है, बाद में कुछ चेंजेस करेंगे तो ज़्यादा होगा, जैसे चैनल वगैरह ज़्यादा यूज करना है तो ज़्यादा होता है। सो थैंक यू सुजीत जी, आपने हमको इतना टाइम दिया और इसको बनाने के लिए आपका सपोर्ट मिला। और जिनको भी मतलब आगे बनाना है, अगर उनको भी अच्छा लगता है ये पर्टिकुलर जो कुकिंग के लिए जो इन्होंने जो बनाया है, अगर आपको भी बनाना है तो सुजीत जी का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप उनको डायरेक्टली कॉल करके बात कर सकते हैं। वो बेसिकली बेंगलोर में रहते हैं, तो अगर बेंगलोर के अंदर है तो शायद वो आपको हेल्प कर पाएंगे, अगर बाहर होंगे तो पता नहीं मेरे को, ठीक है, आप बात कर लीजिएगा उनसे। सो कमेंट पे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और आगे बहुत सारे कैंपिंग वीडियो बनेगा जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये जो हमने प्लान किया है ये कितना सक्सेस है।
ओके। और एक चीज सुजीत जी, लास्ट में आप पूछना था, इसको नीचे हमने व्हील क्यों नहीं दिया, वो भी थोड़ा बता दीजिए ऑडियंस। नहीं, व्हील इसमें डालने से क्या होगा, जब आप कार में रखेंगे ना सर, गाड़ी के अंदर रखेंगे तो वो सेक होगा तो फिर आपका बहुत ज्यादा साउंड वगैरह आएगा। तो इसीलिए मैंने वो अमेजोन पे एक ट्रॉली टाइप का एक मिलता है तो वो ऑर्डर किया है, ताकि अगर घर से कार को जो मतलब कैरी करना है, या मतलब कार से आप जहाँ पे कुकिंग करना है वो थोड़ा सा अगर डिस्टेंस है, तो इसको कार से उठा के वो ट्रॉली के ऊपर रखो, फिर वहाँ पे वो व्हील यूज करके आप उसको कहीं पे भी लेके कुकिंग कर सकते हो। तो वही मेरा प्लान है, तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे पता चलेगा कि नहीं, जैसे फ्यूचर में अगर जैसे इसमें व्हील चाहिए तो व्हील भी लग जाएगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगर चाहिए तो अभी ऑप्शन है इसके अंदर, व्हील भी लग जाएगा, कोई दिक्कत। और पॉलिश करने के बाद ये कम्प्लीटली मेरे हिसाब से वाटरप्रूफ है, ऊपर पानी गिरेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है ना। सो थैंक यू फ्रेंड, आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलना। थैंक यू एंड सी यू अगेन।